नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। शिक्षा संस्था संचालक की हत्या। अकोला जिले के बार्शी टाकली निवासी एक शिक्षा संस्था के संचालक की चाकू घोंप कर हत्या किए जाने की घटना तहसील के ग्राम कनेरी में गुरुवार की देर रात उजागर हुई। खदान और बार्शी टाकली पुलिस ने जांच कर कुछ ही देर में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक का नाम उर्दू संस्था संचालक जुबेरुल्ला खान शफाकत उल्ला खान है। जांच में पता चला कि बार्शी टाकली में जमीन व्यवहार में विवाद के बाद मुजफ्फरनगर निवासी मोहम्मद हारून अब्दुल रहमान ने जुबेर को जान से मारने की धमकी दी थी। मोहम्मद हारून के दो पुत्रों द्वारा ही इस हत्या को अंजाम दिए जाने की जानकारी सामने आई है। तो वही दूसरी ओर ग्राम चांदोरी खुर्द निवासी दुकानदार अक्षय मनोहर वैद्य ने उसके दुकान में सामान खरीदने आई पड़ोस की 12 वर्षीय नाबालिग को अपने घर में बंद कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। जानकारी के अनुसार पीड़िता के घर में किसी के निधन के कारण शोक का वातावरण था। परिवार के सभी लोग अंतिम संस्कार के लिए बाहर गए थे, तभी पीड़िता शैंपू लेने के लिए अक्षय के दुकान में गई। उसी दौरान उसने इस घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के घर न लौटने पर उसकी मां ने आस पड़ोस में पूछताछ की। तब वह नाबालिग अक्षय के घर के दरवाजे पर दिखी। उसने घटना की जानकारी अपने मां को दी, जिस पर परिजनों ने तिरोड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर अक्षय को गिरफ्तार कर लिया है। तो वही तीसरी ओर छोटा गोंदिया निवासी ऋतिक नरेंद्र चूटे की 13 अक्टूबर की रात में हत्या कर शव सालेकसा थाने के समीप क्षेत्र वाले पुजारी टोला जलाशय की नहर में फेंक दिया गया था। इस प्रकरण में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन्हें आमगांव न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें 19 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत दी गई है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।